नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एविद्या चैनल, चैनल नंबर 9। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, लेट्स मीट हिम। यू आर डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी, यू आर एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री फ्रॉम SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। और बच्चों, इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहूंगी, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप बेझिझक अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। ईदर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट आर ईमेल एड्रेस dth.class9@cit.nic.in। इन माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी क्वेरीज के साथ, सवालों के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज के साथ हमसे जुड़ेंगे। तो लेट्स क्विकली बिगिन दिस सेशन। और सर, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में आपके पास क्या कुछ खास है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। सर, मैम, आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर जो आगे साइंस लेना चाहते हैं उनको लेकर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसके बारे में शुरू से रहस्य बना रहा कि आखिर एटम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, उसकी संरचना किस प्रकार की होगी, पदार्थ जो बने हैं, जो हम सबको आसपास दिखाई देते हैं, वो अल्टीमेट किस पार्टिकल के बने होते हैं, उस पार्टिकल के आगे क्या उसको डिवाइजेबल है अथवा नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं। उनके मन में यह भी आता है कि एक पदार्थ, एक मैटर दूसरे मैटर से डिफरेंट क्यों दिखाई देता है। तो ये सब जो बच्चों के, जब क्लास 6th 7th 8th में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात होती है कि आखिर सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, इससे मिलकर ये सारे पदार्थ बने हुए हैं, ये आपस में अलग अलग क्यों है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी सर। हाँ, अब जैसे जब तक बच्चों ने क्लास 9th में चैप्टर 1 और 2 पढ़ा, उसमें उन्होंने जाना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में उन्होंने जाना बच्चों ने। इसके अलावा उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में जाना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बच्चों ने जाना। और इस सब को जॉन डाल्टन ने बहुत अच्छे से वेरीफाई किया। जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि कोई भी पदार्थ, जो सबसे छोटा कण जिससे मिलकर बना होता है, जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो अल्टीमेट पार्टिकल है, उसको एटम कहते हैं। अब उन्होंने कहा एक एटम, कोई भी एक एलिमेंट का एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो अल्टीमेट पार्टिकल है डाल्टन के अनुसार, वो एटम था। और वो उस एटम को डाल्टन ने कहा था कि आगे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो अनडिविजिबल है। और उन्होंने कहा था कि एक एटम के पार्ट, एक एलिमेंट के पार्ट जो एटम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे और दूसरे एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब जॉन डाल्टन की ये बात आगे जाके इसलिए सही सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि ये देखा गया, फैराडे ने, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए मैडम, कुछ एक्सपेरिमेंट किए मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक्सपेरिमेंट किए कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, कुछ पदार्थ के सॉल्यूशंस लिए और उन सॉल्यूशंस को उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोड पर डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। जब डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम अनडिविजिबल है, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो फिर इलेक्ट्रोड पर जाकर ये रिएक्शन क्यों होती है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत आई। दूसरा, उन्होंने ये जो हम सामान्य जीवन में करते हैं, तो हम जैसे कंघे को अपने बालों पर रगड़े और उसके बाद उससे छोटे छोटे कागज के टुकड़े देखें, तो वो कागज के टुकड़े उस पर उठकर आ जाते हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। ऐसे और हम सिल्क या फर पर जब एबोनाइट या ग्लास की रॉड रगड़ते हैं, तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तब ये बात आई कि चार्ज आता कहाँ से है। जब इलेक्ट्रल जो एटम है, एटम पर किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसी उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज आया कहाँ से। तो उसके लिए विलियम क्रुक्स ने, नेक्स्ट स्लाइड की देना, विलियम क्रुक्स ने और माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये पाया कि कोई भी एटम, वो आगे उस पर वो कहीं ना कहीं चार्ज होता है, उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए मैम, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इसको ध्यान से देखिए। उन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब ली, ये कैथोड रे ट्यूब आपको दिखाई दे रही होगी, ये कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे में ये कैथोड बना हुआ है और यहाँ पर ये एनोड बना हुआ है। इससे पहले वाली स्लाइड दीजिए मैडम, इससे पहले वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। हाँ, ये वाली, ये कैथोड है और ये एनोड। इस पर उन्होंने
एक तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप लगाया, और वैक्यूम पंप लगाने के बाद में फिर उन्होंने उसमें प्रेशर रखा बहुत कम और वोल्टेज रखा ज्यादा। फिर ध्यान से बात सुनिए, प्रेशर कम वोल्टेज ज्यादा, उसमें कोई एक गैस फिल की। जब गैस फिल करने पर उन्होंने ये इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पर लगाया तो देखा यहाँ कैथोड की तरफ से एनोड की ओर कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं। उन्होंने रेज को यहाँ जाते हुए देखा, यहाँ देखिए ये कैथोड से कहाँ गए, वो एनोड की तरफ। अब उन्होंने ये कहा कि जब ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, यहाँ उन्होंने दो, एक यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और इस जगह नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी, तो जितनी भी ये रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर मुड़ गई। तब उन्होंने कहा, सोचा ये मुड़ी क्यों, यदि इन पर कोई चार्ज नहीं होता तो इनको रेज को सीधे जाना चाहिए था एनोड पर, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर मुड़ गई, जिससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ से जो रेज जा रही है वो डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब कोई ना कोई उस एटम के अंदर ऐसा कुछ प्रेजेंट है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक पैडल व्हील लगाया। पैडल व्हील लगाने पर जब इन रेज को भेजा तो पैडल व्हील घूमने लगा, उससे मतलब ये सिद्ध हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मास अवश्य है। तो रेज जो यहाँ से जा रही है उनमें चार्ज भी है, उन पर आवेश भी है और उन पर कुछ मास भी है, ऐसा उन्होंने किया। और इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड कीजिए मैम। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर परफोरेटेड एनोड ले लिया। एनोड कैसा लिया, यहाँ पहले तो हम लगाया था केवल एनोड, अब यहाँ पर लिया परफोरेटेड एनोड, यानी कि जिसमें होल्स थे। अब जब रेज यहाँ पर गई और यहाँ लगा दिया जिंक सल्फाइड का प्लेट या फिर फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी, तो यहाँ जैसे ही रेज गई इस परफोरेटेड के ट्यूब से अंदर गई एनोड से, तो यहाँ पर उनकी सेंटिलेशन या उनके चिन्ह दिखाई दिए। उससे भी सीधा सीधा ये सिद्ध हुआ कि कोई ना कोई ऐसी रेज है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है और उन पर कुछ ना कुछ मास अवश्य है। ये पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिससे उन्होंने बताया कि एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज अवश्य होता है। उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने कहा ये जो नेगेटिवली चार्ज रेज जो निकल रही है इनको कैथोड रेज कहते हैं, या इनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया। अब दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि ये जो कैथोड था इसको यहाँ आगे की तरफ लगाया और इसको परफोरेटेड कर दिया, और यहाँ एनोड से कुछ रेज उन्होंने देखा अभी भी निकल रही। फिर ध्यान से बात सुने, पहले तो कैथोड से रेज निकल रही थी, जब ये एनोड लगाया, कैथोड लगाया परफोरेटेड, तो कुछ देखा उन्होंने रेज यहाँ कैथोड के पीछे भी जा रही है, तो कैथोड के पीछे रेज कहाँ जा रही होंगी, एनोड की तरफ से। इसका मतलब उन्होंने कहा कि रेज केवल कैथोड से ही नहीं निकल रही बल्कि ये एनोड की तरफ से भी निकल रही है जो कैथोड के पीछे में दिखाई दी है। अब जब इन पर वापस इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो ये जो एनोड रेज थी ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मुड़ गई। कैथोड रेज कहां मुड़ी थी, कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर, और ये जो एनोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मुड़ी, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि एनोड रेज पर निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज है और जिस कारण से ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मुड़ गई। तो अब उन्होंने कहा कि जो भी गैस इसके अंदर फिल की, चाहे ऑर्गन फिल की या नियोन फिल की, कोई सी भी गैस इसके अंदर फिल की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ दो तरह की रेज गई है, एक कैथोड रेज जिन जो नेगेटिवली चार्ज है जो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ी, और एक एनोड रेज जो पॉजिटिवली चार्ज थी और नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ी। तो पहली रेज जो कैथोड की ओर जा रही थी उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, क्योंकि जो पर्टिकुलेट मैटर भी था, मतलब उनमें कोई मास भी था, उनको उन्होंने पर्टिकुलेट मैटर या उनको उन्होंने पार्टिकल नेचर माना, और इसी प्रकार से एनोड पर उन्होंने माना कि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। तब उन्होंने कहा कि एटम के अंदर दो प्रकार के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब एटम जिसको पहले जॉन डाल्टन ने कहा था ये डिविजिबल नहीं है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में पता चला इसके अंदर कुछ दो पार्ट अवश्य है, एक जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक वो नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीसरा पार्टिकल है। वैसे तो देखिए जो एटम है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, विशेषकर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मेन तीन पार्टिकल्स हैं जिनको हम मानते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हमने बात की जो कैथोड रेज से था, प्रोटॉन की बात की हमने जो कि एनोड रेज की तरफ से आया, जो इलेक्ट्रॉन थे वो नेगेटिवली चार्ज थे और जो प्रोटॉन थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे,
और दोनों का चार्ज क्योंकि आपस में बराबर होता है, जितना चार्ज जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही आवेश उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, एक दूसरे के चार्ज को ये नलीफाई कर देते हैं, इस कारण से एटम कैसा लगता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये तीसरे पार्टिकल की बात आई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट के बाद उन्होंने देखा एक ऐसा पार्टिकल इमिट हो रहा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने कहा एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है, तो तीसरा एक पार्टिकल आया और उसका नाम दिया न्यूट्रॉन। तो बच्चों आपके बात ये समझ में आ रही होगी। तो सर एक बार फिर से हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सर हैवियर कौन सा होता है सर? हाँ मैम, जैसे मैंने पहले कहा मैं वापस कहता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में मिलते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन से बहुत कम होता है, 1/1857 टाइम्स कम होता है, या हम कहें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1857 टाइम्स हैवियर होता है। ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, इसको बोले इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल है, प्रोटॉन उनसे काफी हैवियर है, 1857 टाइम्स ज्यादा है। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जो आपने सवाल पूछा बच्चों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अक्सर इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा अधिक होता है। यदि हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻³⁷ किलोग्राम होता है। तो एक तो है 1.6 × 10⁻²⁷ और एक है 1.65 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्लाइटली हैवियर है, थोड़ा सा भारी होता है, चार्ज इस पर कुछ नहीं होता और मास इसका प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोनों में चार्ज बराबर है, एक पर नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स और उसमें दूसरे वाले पर भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, चार्ज दोनों पर बराबर है पर एक पर नेगेटिव चार्ज एक पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब बात आई कि जब एटम में कोई ना कोई दो चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये देखा उसमें तीन तरह के पार्टिकल हैं, वैसे जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली इसमें जो तीन तरह के पार्टिकल हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है उसके लिए कुछ एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया वो था थॉमसन ने, जे थॉमसन ने मॉडल दिया जिसको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने बताया कि जो एटम का रेडियस है वो है 10⁻¹⁰ मीटर। फिर ध्यान से बात सुनिए, एटम का रेडियस 10⁻¹⁰ मीटर होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। देखिए मैं बात कह रहा हूँ ये थॉमसन के समय की, ये अब सही नहीं है लेकिन थॉमसन ने जो बताया था मैं वह कह रहा हूँ, आप ये ना समझे कि अभी भी सही है। ये थॉमसन ने कहा था कि एटम में एटम का जो साइज में रेडियस है वो 10⁻¹⁰ मीटर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और इलेक्ट्रॉन उसमें कुछ कुछ दूरी पर एम्बेडेड रहते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर फंसे रहते हैं और दोनों के जो चार्ज है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट में इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि वे सभी जगह लगातार समान रहे। आप थोड़ा सा अगर याद करें, आपको एग्जाम्पल दें, इसको उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था या रेजिंग पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। अगर आप वाटरमेलन जिसको तरबूज कहते हैं उससे ध्यान करें, तरबूज का जो अंदर वाला पूरा वाला जो पार्ट है लाल, उसको तो नहीं कहते, ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है और उस पर मतलब क्या हुआ पूरा पॉजिटिव है, उस पर जो छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं उन्होंने कहा कि वे वहां पर वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरे में क्या है पॉजिटिव पार्ट है। इस प्रकार से उन्होंने एक मॉडल दिया एटम का, एटम एक स्फेरिकल है, एक गोलाकार है और उसमें उसकी जो रेडियस है वो 10⁻¹⁰ मीटर होती है और उसका उन्होंने बताया वाटरमेलन या उसको प्लम पुडिंग मॉडल या रेजन पुडिंग मॉडल भी कहा था। इससे उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को पहली बार जे.जे. थॉमसन ने देने की कोशिश की थी। नेक्स्ट स्लाइड में
अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये पॉजिटिव पार्ट जैसे डायग्राम में दिखाया है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसमें कहीं ना कहीं कुछ दूरी पर एम्बेडेड रहते हैं। और उन्होंने ये बताया कि एटम का जो मास है वो पूरी मास कहाँ पर होगा पॉजिटिव पार्ट। जैसे हमने पहले भी कहा पहले से सीखा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम, अधिकतर मास किसका होता है पॉजिटिव स्फीयर, और पॉजिटिव स्फीयर में उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का मास अधिकतर जो बनाते हैं मिलकर अधिकांश जो भाग है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज जिसको मास है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके कारण से क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज आपस में बराबर है ये क्या रहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ये दूसरा जो मॉडल दिया वो रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा उनको सुनिए, उन्होंने क्या किया गोल्ड फॉइल दी, आपको गोल्ड फॉइल दिखाई दे रही होगी, उन्होंने गोल्ड फॉइल दी सोने की पत्ती या गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल बहुत पतली थी कितनी 100 नैनोमीटर, आप जानते हैं नैनोमीटर क्या होता है 10^-9 meter, 10^-9 meter को 1 nanometer कहते हैं, तो ये कितना था 100 नैनोमीटर की उन्होंने फाइल ली जिसमें लगभग उन्होंने ऐसा मान के चले कि 1000 एटम थे, यानी कि 1000 एटम की मोटी थी। आप ये मान लीजिए लगभग अपना जो टिश्यू पेपर होता है ना उससे भी पर, इतनी पतली उन्होंने गोल्ड की फाइल ली। और यहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स सोर्स से लेड प्लेट में सोते हुए अल्फा पार्टिकल्स लिए। आप बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, रदरफोर्ड मॉडल को बहुत ध्यान से समझें और कह क्या रहे हैं ये। देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं पहले हम ये समझें, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मैं हीलियम बताता हूँ हीलियम क्या, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के एटम में फिर ध्यान से बात सुनिए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से हट जाए तो क्या बचा, केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन हट गए तो नेगेटिव चार्ज हट गया, इसका मतलब जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो डबल पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसी डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बात समझ में आ गई, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया बचा क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है तो 2 प्रोटॉन पर 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि डबली पॉजिटिव चार्ज, इसको 2He4 भी कहते हैं, मास इसका चार्ज, इसका जो एटॉमिक नंबर या उसमें जो चार्ज है वो कितना है कुल 2 है, और जो डबल पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल कहलाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को आपसे कोई पूछे क्या होगा तो आप कहोगे ये हीलियम के न्यूक्लियस है। अब जब इनका बम्बार्डमेंट कराया, अब बम्बार्डमेंट भी छोटा था, बहुत हाई स्पीड से कराया था और गोल्ड फॉइल से कराया, तो उन्होंने थॉमसन मॉडल के आधार पर क्या सोचा था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन ने कहा था कि सारे में पॉजिटिव चार्ज रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उनको लगा कि ये जो पार्टिकल इस पर हम भेज रहे हैं जो तेजी से बम्बार्डमेंट करा रहे हैं वो पार्टिकल सारे के सारे डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। बात समझ में आ गई, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में होता है रिपल्शन, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ क्योंकि थॉमसन ने कहा था पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो उनके अनुसार उनको लगा कि ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इससे पहले वाली प्रीवियस स्लाइड, हाँ ये वाली, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफिनेटली। अब ये देखिए बड़े आश्चर्य की बात थी, अगर पॉजिटिव चार्ज सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो क्या होना चाहिए था कि उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए था तेजी से, लेकिन अल्फा पार्टिकल अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्ट। इसका ही बड़ी उनकी आश्चर्यजनक बात थी कि ऐसे कैसे डिफ्लेक्ट हो गए जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में थे रिपल्शन। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और जो बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन था, जैसे बहुत सारे पार्टिकल हमने भेजे उनमें बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन ऐसा था जो बहुत थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। अ व्यू अ वेरी फ्यू पार्टिकल 1 in 20,000 बाउंस बैक That is, were deflected by nearly 180 degree. इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो जाके टकराया और बाउंस बैक हुआ 180 डिग्री पर वापस आ गया। तब रदरफोर्ड ने कहा कि ये ऐसे कैसे संभव है,
तो उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद में कुछ उन्होंने कंक्लूजंस निकाले, ये तो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, क्या ऑब्जर्व किया कि अधिकतर पार्टिकल सीधे चले गए, दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कुछ कुछ एंगल से या बहुत स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हुए, और तीसरा उन्होंने कहा कि 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड, अब आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ सीधे निकल, आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, बिना किसी से टकराए ये गोल्ड फॉइल से अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधे निकल। सर हमारे पास दो मिनट, सर हमारे पास दो मिनट का समय शेष है सर सत्र के लिए, बस केवल जी। ओहो, तो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और इसमें से 20,000 में से क्या हुआ, ये वापस आ गया, तो हमें तो उनको लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसमें से जो जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है वो बहुत छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड है, जहां पर कि वो टकरा कर बाउंस बैक हुआ था, और एटम का अधिकतर भाग खाली है, तो उनका जो अधिकतर पार्ट है वो खाली है, कुछ जो हल्का सा टकराया और जो 20,000 में से गायस पर उनका मास, इसका एटम का सारा मास एक जगह कंसंट्रेटेड रहता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा कि जो अंदर मास कंसंट्रेट रहता है इसका मतलब एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, और जो बाहर की तरफ है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ड्रॉबैक्स ऑफ द कोड मॉडल, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे सर जी। लास्ट में उन्होंने कहा था कि एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर दिया उसको मैं फाइनली आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूँ, कि न्यूक्लियस अंदर की तरफ एक पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम का अधिकतर भाग खाली है और बाहर की तरफ उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जिनको ऑर्बिट कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए एटम इस प्रकार से फुटबॉल ग्राउंड हो बहुत बड़ा, उसमें छोटी सी एक टेनिस की बॉल रखी हो, तो वो टेनिस की बॉल तो न्यूक्लियस है, बाकी पार्ट खाली है और उसका चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इन जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उनसे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, और एटम के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं चार्ज को, इस कारण से एटम स्टेबल होता है। जी सर, समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है इस सत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन आलोक सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने हमारे बच्चों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर इतने अच्छे से विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, और कभी और समय मिलेगा तो और विस्तार से इसको आगे की जो और स्ट्रक्चर और मॉडल रह गए उनको भी और बात करेंगे हम बच्चों के साथ। जी सर बिल्कुल, हम इसे और विस्तार से जरूर जानेंगे, लेकिन अभी समय की कमी है, हम यहाँ पर अपने सभी देखने वालों को बता दें कि कुछ ऐसी जरूरी बात है जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 से 7 जनवरी तक स्कूली बच्चों में कला के प्रसार के लिए एक पहल की जा रही है जिसका नाम है कला उत्सव, और ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर NCERT में आयोजित किया जाएगा, और इसके माध्यम से, इस पहल के माध्यम से बच्चों में कला और उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करवाया जाएगा। क्या है कला उत्सव, आइए देखते हैं एक झलक। गूंज रही है स्कूलों में सात सुरों की सरगम, गूंज रही है स्कूलों में सात सुरों की सरगम, घुंघर बन गए पैरों में नाचो आज छुमा चम चम, घुंघर बन गए पैरों में आज क्षमा चम चम, खिलौने बनाओ चित्र बनाओ, खिलौने बनाओ चित्र बनाओ, नृत्य कला कला उत्सव, 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 रंगों की दुनिया बसाओ अपने देश के सभी प्रांतों की संस्कृति को सब तक पहुंचाओ, रंगों की दुनिया बसाओ अपने देश के सभी प्रांतों की संस्कृति को सब तक पहुंचाओ, कैसे कला उत्सव, कला उत्सव,
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से दिनांक 3-7 जनवरी 2023 तक NCERT द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है कला उत्सव। कला उत्सव का आनंद आप ले सकते हैं हमारे ई विद्या चैनल्स पर और हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। अब एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे जो कि संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।